आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 6 रैखिक और समीकरण की प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 21 से शुरू करेंगे। तो प्रश्न नंबर 21 में है लिखा है, देखिए रवि ने पहली दो एकक परीक्षा में, है ना, एग्जाम है, एकक परीक्षा है, जिसमें 70 और 75 अंक प्राप्त किए, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में इसने 70 और ये 75 अंक प्राप्त किया है। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्रदान कर सके, ठीक ना। तो मतलब इसको देखिए तीन टेस्ट होना है, दो टेस्ट हो चुका है, नंबर भी प्राप्त हो गया इसको, एक अंतिम एकक परीक्षा बचा है जिसका बोल रहा है उसमें कितना कम से कम कितना प्राप्त कर ले जिससे अगर इनका औसत ज्ञात करें, ठीक ना। औसत क्या होता है, तीनों को जोड़कर बटे तीन से भाग करेंगे, तो बोलता है कम से कम औसत प्राप्त करें कितने का, 60 अंक का। तो देखिए औसत अंक प्राप्त करेगा कितना, औसत अंक कितना प्राप्त करना है, एवरेज मार्क्स कितना प्राप्त करना है इसको, कम से कम 60, मतलब कम से कम और अधिक से अधिक 60 नंबर होना चाहिए, ठीक ना। तो कम से कम का मतलब होता है कि 60 अंक तो है ही, उससे अधिक जितना आ जाए अच्छा है, ठीक ना। तो उससे अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। तो इसके लिए देख लिए, माना रवि के द्वारा तीसरी एकक परीक्षा में प्राप्त न्यूनतम अंक x है, ठीक ना, न्यूनतम अंक x मान लिया, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, x अंक प्राप्त करेगा, ठीक ना। तो जब हम इसका औसत ज्ञात करेंगे तो देखिए प्रश्नानुसार एवरेज निकालेंगे तो देखिए 70 प्लस 75 प्लस x बटे 3, औसत इसी प्रकार ज्ञात करेंगे, जितना भी राशि होती है उतनी गिन के उसके बटे में उससे भाग के आता है। तो इसका कितना प्राप्त होना चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन 60, बस इसको हम हल कर लेंगे, x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इनको देखिए 5 और ये 145 प्लस एक्स, और इसको इधर पक्षांतर तो 18, 180, x बराबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 145। तो देखिए 80 में 45 गया, अगर 40 गया होता तो 40 आता, एक ज़्यादा गया तो 35 आ जाएगा, ठीक ना। तो मतलब देखिए न्यूनतम अंक देखिए ये है, ठीक ना, मतलब आपको 35 नंबर प्राप्त करना है इसको, या तो उससे अधिक प्राप्त अंक कर सकता है, ठीक ना। तो न्यूनतम ये आपका उत्तर आ गया, ठीक ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 अंक, ठीक ना, मार्क्स हो गया। तो इसका आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 22 करना है। देखिए लिखा है प्रश्न नंबर 22, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में, जिसका प्रत्येक परीक्षा का मार्क्स है 100 नंबर, में 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए, ठीक ना। मतलब अगर एवरेज निकालें पांचों परीक्षाओं का, तो बोलता अगर एवरेज इसका अगर 90 अंक या इससे अधिक अंक प्राप्त हो रहा है तो ग्रेड ई में चला जाएगा, ठीक ना। तो यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94, 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाई जाएगी। तो देखिए सिंपल सा है, ग्रेड ए के लिए क्या है कंडीशन, ग्रेड ए प्राप्त करने के लिए देखिए बोलता है कम से कम 90, ठीक ना, 90 अंक या अधिक अंक का, तो 90 अंक के बराबर या उससे अधिक प्राप्त करे, ठीक ना। तो ग्रेड ए है ना, एवरेज मार्क्स अगर 90 अंक आता है या इससे अधिक आता है तो वह ग्रेड ए में चला जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 5 परीक्षाओं का देखिए देखा है, ये है 87, ये है 92, ये है 94,
ये है 95, ठीक ना। तो पांचवा में बोला कितना प्राप्त कर ले, हम मान लिया x प्राप्त कर ले, ठीक ना, जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न की तरह। और अगर हम इसका देखें औसत अगर ज्ञात करें तो देखिए इस बार हम 5 से भाग करेंगे क्योंकि 5 परीक्षाएं थी। तो बोलता देखिए ग्रेड ए पाने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 मार्क्स, ठीक। इसको हल करेंगे x का मान ज्ञात हो जाएगा, 87, 92, 94 और 95, तो जोड़ेंगे तो इसका कितना 7, 8, 9 और 5, 4, 9, 9, 9, 18 हासिल 1, 9 के 9, 18, 9, 3, 9, 4, 9, 6, 36, तो ये आ गया 368 प्लस एक्स बटे 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 मार्क्स। तो 5 का पक्षांतर करेंगे, तिरेगुणा करेंगे, तो 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो गया 450। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 450 माइनस 368। तो इसको माइनस करके देखेंगे तो 8, 2, 10 हासिल 1, 6, 7, 8 है ना, 82 आ रहा है, 6, 8 से 14, 15 ठीक है 82। मतलब अगर एक्स का जो पांचवें परीक्षा में है उसके अंक यदि 82 आ जाए या उससे अधिक आ जाए तो ग्रेड ए के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया उत्तर, ठीक ना, ग्रेड ए पाने के लिए पांचवें परीक्षा में वो 82 अंक प्राप्त करे या उससे अधिक अंक प्राप्त करे, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 22 हमने हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 23 है, देखिए प्रश्न नंबर 23 में है 10 से कम है ना, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हो, ठीक ना। तो इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको विषम संख्या पता होना चाहिए, विषम संख्या तो कौन कौन सी विषम संख्या होती है, देखिए प्रारंभ से करें तो ये हो गया 1, फिर 3, ये 5, 7, 9, ठीक ना, इस प्रकार ये विषम संख्या हो गई, ठीक ना। पहली संख्या 1, उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो ये, और देखिए ये ना विषम संख्या है और ये क्रमागत है ना, क्रम से है, 3 के बाद 5 ही विषम संख्या आती है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, ठीक ना। तो ये क्रमागत है, क्रमागत, ठीक ना, ये भी आगे समझ में आ गया, ठीक ना। विषम संख्या देखिए ऐसे भी ले सकते हैं, 9, 7, 1, 13 ठीक ना, 11, ये सब विषम संख्या है मगर ये क्रम से नहीं है, ठीक ना, यही क्रमागत है, ठीक। और ये कर सकते हैं, देखिए प्रारंभ से क्रमागत विषम संख्या है, ठीक ना, क्योंकि प्रारंभ ही विषम संख्या 1 से होती है, तो हम कह सकते हैं क्रमागत, देखिए प्रारंभ से क्रमागत विषम संख्या है, ठीक ना। देखिए विषम संख्या यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, 11, 13, 15, 17 ये सब भी संख्या विषम संख्या है मगर ये प्रारंभ से नहीं है, ठीक ना, ठीक। तो ये विषम संख्या हो गई और क्रमागत भी विषम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्रम से लिखी हुई है, ठीक ना। जो विषम संख्याएं क्रम से लिखी हो उसे क्रमागत विषम संख्या बोलते हैं। अब देखिए शुरू से है तो हम इसमें एक अलग से लिखें प्रारंभिक, प्रारंभिक, ठीक ठीक ना। तो ये भी इसमें कंडीशन बन गया है ना, क्रम से है, शुरू से है, इसलिए प्रारंभिक विषम संख्या, ठीक ना। तो हम इसको मिटा दें, ज़्यादा जरूरत नहीं है इसका, तो क्रमागत विषम संख्या ये ले लिया, ठीक। अगर इसके बाद अगर हम देखें इसमें लिखा है क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म, है ना, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो अगर हम देखें विषम संख्या का लिखें, देखिए क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म है ना, पेयर या जोड़े। तो देखिए जोड़े कैसे बनेंगे, 1, 3 बना लिया, 1 बन गया, फिर 3, 5 बना लिया, 5, 7 बना लिया, 7, 9 बना लिया, ठीक ना, ये देखिए इस प्रकार। तो ये क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म है ना, क्रम से हैं और जोड़ में है, तो इस प्रकार ये बना लिया। तो अब आपको विषम संख्या और उनके क्रमागत भी समझ में आ गया होगा, इनकी जोड़ी भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हम लोग मान लेते हैं, ये हमने आपको केवल समझाने के लिए बताया था, ठीक ना। तो देखिए माने,
माना यक्स एक विषम, क्या चीज लिखा, विषम संख्या लिखा है, तो लिखेंगे एक विषम संख्या है ना, एक विषम संख्या ले लिया, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो x x प्लस टू, ठीक ना। देखिए अगर आपको एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या किया हमने, दो जोड़ दिया, तीन में दो जोड़ेंगे तो पाँच जाएगा, पाँच में दो जोड़ेंगे तो सात जाएगा। तो कोई भी एक विषम संख्या से दूसरी विषम संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें हम दो जोड़ते हैं, तो ये देखिए हमने मान लिया x पहली है तो x प्लस टू हो जाएगा, तो लिखेंगे क्रमागत विषम संख्याओं का युग्म है, है ना, ये युग्म है, ले लिया हमने युग्म है। अब देखिए क्या बोला है इसमें कि दोनों जो भी हम संख्या लेंगे विषम संख्या वो 10 से कम है, तो क्या करेंगे, देखिए x is less than 10 होना चाहिए, है ना, संख्या जो है 10 से कम होना चाहिए, और ये हो जाएगा देखिए x प्लस टू लेस देन 10, ठीक ना। तो इसको तो हम हल कर लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, इसको उधर पक्षांतर करेंगे 10 में 2 गया तो ये 8 हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब देखिए हमको दो ये असमीकरण प्राप्त हुआ है, x 10 से छोटा है और x 8 से छोटा है, तो इनका जो उभयनिष्ठ है भाई इनमें से कोई एक का तो मान लेना ही हमको, तो देखिए अगर बोलता है x 10 से कम है तो मतलब क्या प्राप्त हो रहा है, 9 8 7 6 5 4, ठीक ना, ये प्राप्त हो रहा है इसमें। और अगर हम लेस देन 10 8 बोलें तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 7 6 5 4 इस प्रकार प्राप्त होगा, ठीक ना। तो इसमें उभयनिष्ठ देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, हम दोनों इन दोनों की बात करें तो देखिए इन दोनों में x लेस देन 8 ही प्राप्त हो रहा है ना, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है ये, है ना, ये दोनों उभयनिष्ठ है, तो हम इसी को x इज लेस देन 8 को लेंगे, ठीक ना। तो हमको ये देखिए इन दोनों से क्या प्राप्त हो गया, x इज लेस देन 8, तो ये पहली कंडीशन आ गई हमको, ठीक ना। तो ये देखिए इस तरह लेस देन 10 है तो 7 6 5, लेस देन 8 है तो 7, मतलब इन दोनों में यहीं से उभयनिष्ठ पार्ट हमको मिल रहा है, ठीक ना। तो लेस देन है तो लेस देन हमने लिख लिया, तो इस प्रकार x इज लेस देन 8 हमने ले लिया, ठीक। अब देखिए इसमें बोल रहा है जिन युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों, तो देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, कोई भी दो जोड़ा देखिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे x प्लस टू तो हमको 11 से ज़्यादा प्राप्त होगा, ये बोला है। जैसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 1 + 3 बराबर 4 आ रहा है, इनको जोड़ूं तो 5 + 7 ये 12 आ रहा है, है ना। इस प्रकार ये जोड़ने को बोला है कि जो जोड़े आपको मिले हैं उनके अगर जोड़ा है इनके, तो जो भी इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो उनका योगफल 11 से अधिक आना चाहिए। अब इसे हम ज्ञात कर लेते हैं, देखिए 2x + 2 > 11, 2x > 11 - 2, 2x > 9, ठीक ना, 9 आ गया। अब ये x ये दो पक्षांतर करेंगे तो जाएगा 9/2 हो जाएगा, या x > 4.5, ठीक ना, यही मतलब हुआ 9/2 को 4.5। तो अब देखिए इन दोनों को अगर हम मिला लें तो क्या प्राप्त हो रहा है, x > 4.5, ठीक, और इज लेस देन 8 प्राप्त हुआ, ये नहीं हुआ, ग्रेटर देन 4.5 है, लेस देन 8 से है, तो हमको ये प्राप्त हुआ। अब देखिए इसके अंदर हमको कौन सी विषम संख्या प्राप्त होगी, देखिए 4.5 के बाद हमको क्या मिलेगी, 5 मिलेगा, है ना, ये 5 मिला और फिर ये 7 मिलेगा, ठीक ना, 6 तो होगी नहीं, वो तो सम संख्या होती है, और 8 से कम नॉट इक्वल टू 8, है ना, 8 के बराबर नहीं है, तो हमको 8 से कम मतलब 7 मिल गया, और 4.5 से आगे तो 5 मिलेगा, तो 5 और 7 मिला। अब देखिए ये हमको प्राप्त हो गया है, अब हमको देखिए क्या चाहिए, युग्म चाहिए, तो लिखेंगे क्रमागत विषम
संख्याओं के युग्म है ना, अभीष्ट है जो हमको ज्ञात करना था। देखिए क्या हो गया, पाँच और ये सात, इससे एक बना लिया है ना, यक्स का मान पाँच रखा तो ये सात हो जाएगा, और अगर मैं सात रखूँ तो नौ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सात और ये नौ, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों जितनी भी हमको दिख रहा है विषम संख्या वो दस से तो कम ही है, और अगर इन दोनों का योग करूँ, देखिए सात पाँच बारह ग्रेटर देन इलेवन हो गया, नौ सात सोलह ग्रेटर देन इलेवन हो गया, तो दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस प्रकार ये दो युग्म हमको प्राप्त हुए, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 23 हमने हल कर लिया, अब प्रश्न नंबर 24 हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 24 है, लिखा इसमें क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक पाँच से बड़े हों, तब उनका योगफल तथा उनका योगफल 23 से कम हो, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 23 में विषम संख्या के बारे में था, इसमें हमको सम संख्या के बारे में है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। माना यक्स एक सम संख्या है, ठीक ना, सम संख्या है, इसको लिख सकते हैं सम धन सम संख्या हो गया, तो लिखेंगे यक्स यक्स प्लस टू, एक ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लगातार सम संख्या का युग्म है, ठीक है। तो देखिए चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, एक संख्या से दूसरी संख्या प्राप्त करनी हो तो हम उसमें दो ही जोड़ते हैं। देखिए सम संख्या का भी हो गया दो चार छः आठ दस, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो प्लस टू ही करूँगा, ये फोर से सिक्स जाना है तो प्लस टू ही करना है मुझको, ठीक ना, इसलिए यक्स प्लस टू हमने इसमें भी लिखा है, ठीक। अब देखिए इसमें बोल रहा है प्रत्येक पाँच से बड़े हों, ठीक ना, तो देखिए यक्स इज ग्रेटर देन फाइव, ठीक, और ये भी पाँच से बड़ा होना चाहिए, तो यक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन फाइव, तो ये तो हो गया, इसको हम हल कर लेंगे, तो जब ये टू को पक्षांतर करेंगे तो कितना जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए मुझे यक्स ग्रेटर देन फाइव भी है और यक्स ग्रेटर देन थ्री भी है, तो इसमें हम इसका उभयनिष्ठ बिंदु लेंगे, जैसे ग्रेटर देन फाइव है तो हमको क्या मिलेगा, सिक्स सेवन एट नाइन, ये सब संख्या प्राप्त होगी, और जब बोलूँ यक्स इज ग्रेटर देन थ्री तो हमको क्या आएगा, देखिए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इस प्रकार प्राप्त होगी। तो देखिए ये कॉमन पॉइंट आया ना, सिक्स 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 के आगे जो भी है सब कॉमन पॉइंट मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा है कि हमको यक्स इज ग्रेटर देन फाइव प्राप्त हो रहा है, ये ना, यक्स इज ग्रेटर देन फाइव से सिक्स सेवन एट नाइन प्राप्त हो रहा है, और इसमें भी देखिए ये दो पॉइंट उभयनिष्ठ नहीं, इसको हटा देंगे सिक्स सेवन एट से ही लेंगे, तो यक्स इज ग्रेटर देन फाइव आ रहा है, तो हमको देखिए इन दोनों से क्या प्राप्त हुआ, यक्स इज ग्रेटर देन फाइव, ठीक ना, तो एक आ गया कि यक्स पाँच से बड़ा होगा। अब देखिए इसमें लिखा है कि उनका योगफल 23 से कम होना चाहिए, ठीक ना, तो इनका योगफल 23 से कम कर लेते हैं तो हमको एक और कंडीशन मिल जाएगा, तो लिखते हैं यक्स प्लस टू लेस देन 23 है ना, 23 से कम है, तो ये जाएगा देखिए 2x प्लस टू लेस देन 23, 2x लेस देन 23 माइनस टू, तो ये हो जाएगा कितना 21, ठीक ना, और यक्स 21 बटे ये दो हो जाएगा, तो अगर इसको हम भाग करें तो 10.5 आ गया, ठीक ना। तो अब देखिए इसको मिला लेते हैं दोनों को, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यक्स इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10.5, ठीक। अब हमको देखिए क्या मिला इससे, देखिए ध्यान सम संख्या लेना है हमको, अगर यक्स का मान 5 से बड़ा है तो हमको क्या क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 विषम संख्या इसलिए छोड़ देंगे, 8 मिलेगा, 9 नहीं लेंगे, और ये 10 भी लेंगे, ठीक ना, क्योंकि 10 क्या बोला है कि यक्स का मान 10.5 से कम, तो 10.5 से कम में 10 तो आ ही जाएगा, इस प्रकार हमको तीन संख्या ये मिली, तो इनका क्या होगा, लगातार विषम संख्या का युग्म क्या मिलेगा, अतः लगातार
सम संख्या का युग्म क्या प्राप्त हो गया। देखिए अगर 6 लेंगे तो 6 दो 8, एक जोड़ा ये मिला। अगर 8 लेंगे तो 10 प्राप्त हो गया, और 10 लेंगे तो ये 12 आ जाएगा, ठीक ना। तो 3 जोड़े हमको प्राप्त होंगे। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार और कि 5 से बड़े हों। तो देखिए इसमें सभी संख्याएं 5 से बड़ी हैं और इनका योगफल 23 से कम है। 8, 6, 14 23 से कम है, 18 भी 23 से कम है, 12, 10, 22 ये भी 23 से कम है। इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 24 हमने हल किया, अब प्रश्न नंबर 25 हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 25 है, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम इसका लिखते चलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें देखिए त्रिभुज बना लिया हमने, ये है सबसे छोटी भुजा, हम लिख देते हैं इसको सबसे छोटी भुजा, ठीक ना। और ये है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, तो ये हो गई तीसरी भुजा। फिर तो ये लिख लिया तीसरी भुजा हो गई, ठीक ना। अब देखिए क्या लिखा है उसके हिसाब से लिख लेते हैं। इसमें बोला है सबसे बड़ी भुजा, ये वाली भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तो सबसे छोटी भुजा को अगर हम यक्स मान लें, ठीक ना, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, सिंपल हो गया, 3 गुना हो जाएगी, ठीक ना। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है, 3x, ये लिखा इसमें 2 कम कर दिया, बन गई तीसरी भुजा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया, तो देखिए एक बार फिर से देखते हैं। इसमें लिखा है देखिए त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा बोलता है सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो सबसे छोटी भुजा को x मान लिया तो ये 3x हो गया। फिर बोलता है अगर तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है तो 3x-2 कर दिया। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा बन गया। अब बोलता है तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, कम से कम ज्ञात करना है उसका, ठीक ना, जबकि इसका परिमाप न्यूनतम दे रखा है, ठीक ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा यक्ष मान लिया तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगा 3x, 3 गुना, एवं तीसरी भुजा हो जाएगी कितना, 3x-2, ठीक ना। अब देखिए प्रश्नानुसार परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया है परिमाप, कितना दिया है देखिए इसमें लिखा है परिमाप न्यूनतम 61 हो, न्यूनतम मतलब कम से कम इतना हो, तो ज़्यादा ज़्यादा जितना भी हो सकता है ना, कम से कम तो 61 है ही, ठीक ना। तो अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजाओं का योग कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए x 3x और 3x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 लिख लिया। 3, 3, 6, 1, 7 हो गया, -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61, तो ये हो जाएगा 60, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 61+2, तो ये हो गया 63 हो गया। जब 7 से भाग देंगे दोनों पक्षों में तो 7 पक्षांतर कर लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 63/7, तो 7 9 63, तो ये हो गया x की मान
9 आया, ठीक ना। तो देखिए हमको क्या प्राप्त हुआ, यक्स क्या है कि बराबर भी है 9 से और बड़ा भी हो सकता है, ठीक ना। तो मतलब 9 से बड़ा जितना भी हो सकता है, सबसे छोटी भुजा की न्यूनतम लंबाई बराबर 9 सेमी, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 25 हल हो गया। अब 25 वापस प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 26 है, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है, ठीक ना। एक बोर्ड है पूरा, ऐसे बोर्ड मान लिया, ये बोर्ड है, ठीक ना। इसकी कुल लंबाई 91 सेंटीमीटर, ठीक, में से 3 लंबाई काटना है हमको। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक ना। तो मान लिया देखिए ये सबसे छोटी, ये हो गई सबसे छोटी, इसको x मान लिया, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 हो जाएगा, ये इस लंबाई x प्लस 3 हो गया, ठीक ना। ये दूसरी लंबाई जो है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस 3 ले लिया उसको। और तीसरी लंबाई जो थर्ड जो बचा है, वो सबसे छोटी लंबाई की दुगुनी है, तो मतलब ये 2x हो गया, है ना। तो ये क्या करेंगे, सबसे तीसरी लंबाई, ये दूसरी लंबाई है और ये तीसरी लंबाई, ठीक ना, ये सबसे छोटी की डबल है, ठीक ना। जैसे से क्वेश्चन दिया वैसे वैसे हमने लिख लिया। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, यदि तीसरा टुकड़ा, ठीक ना, कंडीशन और दिया है, तीसरा टुकड़ा मतलब ये जो लिखा है, ये दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, ठीक ना। तो उसका भी कंडीशन बना लेते हैं हम, पहले यहाँ लिख लेते हैं। माना सबसे छोटे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं, बोर्ड की कुल लंबाई कितनी है, तो ये हो गया 91 सेंटीमीटर, ठीक ना। फिर लिखा माना सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई, तो लंबाई कितनी, x सेंटीमीटर। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 3, है ना, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है उससे, तो ये हो गया। फिर लिखेंगे तीसरे टुकड़े की लंबाई, तो कितना है, डबल है, है ना, 2x सेमी, ठीक। अब देखिए अगर हमें कोई भी 3 टुकड़ा है, ठीक ना, अगर मैं इनको जोड़ूं, देखिए प्रश्नानुसार ठीक ना, तो जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 3 और 2x क्या हो सकता है, देखिए ये हो सकता है या तो 91 के बराबर ही हो जाए, पूरा बोर्ड पूरा यूज कर लिया हमने, या हो सकता है कि 91 पूरा नहीं, साथ कुछ बच जाए हमारा, यहाँ से कुछ बच के निकल भी गया जो एक्स्ट्रा बच जाता है, तो इसलिए इनका योग 91 से बराबर हो सकता है या 91 से कम हो सकता है, ठीक ना। इसलिए लेस देन और इक्वल टू 91 लिखा हमने, ठीक। तो इससे हमने एक x का मान ज्ञात कर लेंगे, 2, 3, 4 लेस देन 91, 4x 91 माइनस 3, तो ये हो गया 88, 89, 90, 91, और इससे 88
बटे चार, चार दुनी आठ, चार दुनी आठ। इस प्रकार x इज लेस देन और इक्वल टू 22, ठीक ना। एक कंडीशन ये आ गया। और इसके बाद दूसरी कंडीशन दिया था, दूसरी शर्त के अनुसार देखिए इसमें लिखा है, यदि तीसरा टुकड़ा, ये वाला देखिए, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, दूसरे टुकड़े से, दूसरे टुकड़े से कम, ठीक ना, तो कम से कम का चिन्ह ये होता है, कम से कम मतलब उसके बराबर या उससे ज़्यादा, ठीक ना, कम से कम न्यूनतम सेम वर्ड होता है, 5 सेंटीमीटर अधिक हो, ये लीजिए 5 सेंटीमीटर जोड़ दिया, ठीक ना, तो ये कम से कम इससे बराबर ही हो या ज़्यादा हो, ठीक ना, तो इससे हमको एक x का मान और ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन, ये हो जाएगा x प्लस 8, है ना, 5 3 8, x को बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक ना। अब अगर हम इसको मिलाएं तो देखिए दोनों को मिक्स करेंगे तो ये जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और लेस देन और इक्वल टू 22, यही मतलब हुआ। तो देखिए अब बोला है कि क्या चाहिए हमको, दूसरी लंबाई, तीसरी लंबाई, देखिए सबसे छोटे बोट की संभावित लंबाई ज्ञात करना है, ठीक ना, तो लिखेंगे अतः सबसे छोटे बोट की लंबाई आठ सेंटीमीटर के बराबर या इससे अधिक, किंतु किंतु 22 सेंटीमीटर से कम या इसके बराबर, ठीक ना, बराबर, है ना, ये हो जाएगा एक्स का मान 8 के बराबर या इससे बड़ा, या 22 के बराबर या इससे कम, मतलब 8 और 22 के को लेकर बीच में जो भी संख्या आ जाएगी, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 26 किया, तो ये प्रश्नावली देखिए समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 6.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे।